अब हम हमारे ओके ओके नेक्स्ट पैनलिस्ट, क्योंकि डॉक्टर पार्वती जी उनको इनवाइट करेगी इस पैनल के ऊपर। डॉक्टर पार्वती जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने जीवी चार के अंदर पीएचडी की है। अब आप सोचिए, श्रावक को कहा है कि जीवी चार ग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए, हमने तो शायद वो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने तो पूरी पीएचडी कर रखी है, यानी इतना अध्ययन किया हुआ है। और अगर कहा जाए तो इनका इतना अध्ययन है कि कुछ कुछ ग्रंथ तो वो साधु साध्वी जी भगवान को भी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अगर कोई मुमुक्षु है जिसको दीक्षा लेने की इच्छा है उनको भी कितनी अच्छी से जैन शास्त्रों का अध्ययन वो करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर एक दूसरी बात की जाए तो माटुंगा यानी कि साउथ इंडियन एरिया में जैनिज्म के कोर्सेज चलाते हैं, जिसके अंदर जैनिज्म फिलोसफी बहुत ही अच्छी से बहुत ही अरे से वो एक्सप्लेन करता है। और हमारे जो पार्वती जी हैं वो बहुत सारी एग्जाम्स में अव्वल नंबर पे आए हुए हैं, साथ ही साथ प्रबुद्धि जीवन, वागड़ समाज की दो पत्रिकाएं, नवल प्रकाश जैसी जैसी मैगजीन में रेगुलरली उनके आर्टिकल्स आते हैं। ऐसे डॉक्टर पार्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं इस पैनल पे। और आज हमको वो एक बहुत सुंदर विषय लेके आई है, हिस्ट्री ऑफ आगम लिटरेचर, यानी कि हमारे जो कोर ग्रंथ हैं। जैसे पिछले क्लास में चंद्रकांत जी मेहता आए थे तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के बारे में बताया, तो आज तत्वार्थ सूत्र से पहले की हिस्ट्री लेके हमारे डॉक्टर पार्वती जी आए। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर पार्वती जी और हम आज सेकंड सेशन शुरू करते हैं। भगवन्तैन्द्रमयिता आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांतवाद, उचार में शादवाद जैसा महान सिद्धांत जिसने इस विश्व में प्रसारित कर किया है वह भगवान महावीर के सिद्ध स्वरूप को मेरा कोटि कोटि वंदन। सर्व शुग्न जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मेरे आगे जो बहुत अच्छा प्रवचन दिया वो प्रसाद भाई को भी, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा हृदय पुलकित हो गया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ आज जीन टॉक के माध्यम से मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मौके पर मुझे एक रूपक याद आ गया। असुरों का नाश होने के बाद जब देवाए ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो सब ऋषि मुनि तप करने लगेंगे, यज्ञ याज्ञा करने लगेंगे और उनके हवन में हड्डियां कौन डालेंगे, हड्डियां नहीं डालेंगे तो ये देवलोक में भीड़ हो जाएगी। हमें भी पता है भीड़ का क्या नतीजा है, आज हम भी जानते हैं, तो शायद देवों को भी ये भीड़ का भय हो जाए, वो स्वाभाविक है। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप चिंता मत करो, इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। देखो ये असुरों की हड्डी है, उनसे प्लास्टिक बनेगा और वो प्लास्टिक से मोबाइल बनेगा और मोबाइल क्या कहर मचाएंगे वो उसका नतीजा हम आज सब जानते हैं। शायद ब्रह्मा भूल गए कि यहाँ नील भाई रमेश भाई जैसे लोग भी जन्म लेंगे और वो लोग ये जो असुरूपी जीन है उस जीन से जीन वाणी का प्रसार करेंगे और देवलोक में नहीं पर मोक्ष लोक के मार्ग का परिचय कराएंगे। तो ऐसे कार्य के लिए मैं इस पैनल वाले सबको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आभार भी अभी से ही मैं उनका व्यक्त कर लेती हूँ। और मेरे विषय की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है जैन आगम साहित्य, साहित्य का इतिहास। आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल में एक मैसेज बार बार फिर रहा है कि जो भारतवर्ष में 2500 वर्ष पूर्वे मांस का आविष्कार करने वाला जैन धर्म के पांच आदर्शों का
यह पूरा विश्व पालन कर रहा है। वो पांच आदर्श क्या है? पहला तो है मुहपति, जो हम मास्क कहते हैं, जिसे वो मुहपति का इधर शायद हो तो दिखाएंगे अपना, तो वो मुहपति का हुआ। दूसरा जो है वो है अपना जैन फूड, मतलब वेज फूड, वेज फूड का लेने से इनसे हम दूर रहते हैं। तीसरे नंबर पर संगठा, संगठा मतलब किसी के संपर्क में नहीं आना है, मतलब सोशल डिस्टिंक्शन रखना है, वो तीसरा है। चौथे नंबर पर है जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन, मतलब अलगाव रहना, अलग रहना है। तो जो इस रोग के माध्यम से इस रोग के ये होते हैं तो उसको अलग रहना पड़ता है। और चौथा है सम्यक एकांत यानी आइसोलेशन। तो ये सब सिद्धांत पर सब विश्व चल रहा है। इसके अलावा योग नियुक्ति की भी बात चल रही थी, उसमें जो बात बताई गई है, तो ये जब चेपी रोग होता है तब कैसे रहना पड़ता है, इसका पूरा विश्लेषण किया हुआ है, जिसकी वीडियो भी फिर रही है, सब आप सबको मालूम ही होगा। तो ये सब पर जब हम चिंतन करते हैं तब पता चलता है, ये तो आगम का जो भाग दिखाई दे रहे हैं। आज कोरोना की बीमारी के लिए सार्वजनिक रूप से ये सब प्रकट हो रहा है, वो तो सिंधु में बिंदु जितना ही है और एक इतिहास की झलक है, वैसा कह सकते हैं। वैसे तो हमारे आगम में बहुत सारे विषयों का संकलन हुआ है, जैसे तानांग सूत्र है, सम्मायन सूत्र है, उनमें सैकड़ों विषयों की चर्चा की गई है। और जो अपना भगवती सूत्र है उसमें दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं होगा विषय कि जिसका इसमें संकलन नहीं किया होगा। इसको हम जैन एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, यानी कि जैन महाविश्वकोश भी इसको कह सकते हैं। और जो प्रज्ञापन सूत्र है हमारा, वो तात्विक संग्रह का लघु कोश कहा जाता है। और जीवाभिगम सूत्र जिसपे मैंने पीएचडी किया है, वो सब जीव अजीव की बातें बातों इतने अद्भुत तरीके से कही गई है कि विज्ञान भी उसका कुछ ज्यादातर संशोधन उसमें नहीं कर सका है। उसके अलावा कई शास्त्र की बातें, औपाधिक सूत्र है, उसमें नगरी का वर्णन रहता है, राज्य व्यवस्था का वर्णन रहता है, वो वर्णन इतना अद्भुत है, जहाँ कहाँ भी ये बात कहानी है तो वहाँ जहाँ उवाये शब्द का प्रयोग करके वहाँ देखना, उसका दृष्टांत वहाँ पे दिया जाता है। और जो उसमें साहित्य की रीति देखा जाए तो कादंबरी जैसे समास वाले जो वाक्य है वो इतने लंबे लंबे है, तो हमें लगता है क्या वो आगमकारों साहित्य का भी इतना गहन ज्ञान जानते होंगे कि जिसके लिए इसने लंबे लंबे समास वाले वाक्यों भी वहाँ दिए गए हैं। ऐसे मैं बात करने बैठू तो पूरा सेशन इसमें ही खत्म हो जाएगा। ये तो आगम क्या है ये बताने के लिए मैं बताया। अंतिम बात करूं तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र, जिसका जैन ट्रेजरर हंट तरीके अपने नेशनल में जैन नेशनल हंट तरीके घोषित किया है। 50 लाख हस्तप्रति थी, उसमें से 40 हस्तप्रति चयन किया की गई। उस हस्तप्रति में से दो गुजराती थी, उसमें एक उत्तराध्ययन सूत्र और दूसरा शांतिनाथ चरियम, ऐसा दो था, वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। ये सब साहित्य की बात करते हैं तब ख्याल आता है कि जैन दर्शन में जो शास्त्र है वो जैन धर्म की एक बहुमूल्य पूंजी है। उसमें निगोद से निर्वाण तक की यात्रा में, निम्नतर जीवन से ऊर्ध्वतर जीवन की यात्रा में सभी भव में उसकी उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन जब वह उपलब्धि होती है तब चिंगारी बन के अंतःकरण के दीपक प्रकट करने में सहायक हो जाते हैं। और उसी के माध्यम से हम आत्मशुद्धि करके और निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आगम क्या है और इसका इतिहास क्या है वो भी हम जानना चाहिए। तो इतिहास की और मैं बढ़ती हूँ,
इतिहास का भी हम अर्थ करें इति प्लस ह प्लस आस, इति मतलब इसी प्रकार का, ह मीन्स वस्तुतः और आस मतलब था, तो जो निश्चय रूप से इसी प्रकार का था उस ज्ञान का हम इसमें संकलन करते हैं। भूतकालीन सर्व घटनाओं का क्रमबद्ध उसमें गुंथन होता है, इसे तवारिक के नाम के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीक में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री का मतलब होता है गुंथन। गुंथन यानी क्या, तो कि जो घटनाओं बन रही है उस घटनाओं का क्रमबद्ध संकलन हो उसे हम इतिहास कहते हैं। वह इतिहास की ओर अगर बढ़े तो हमें पहले आगम की व्याख्या जानेंगे। आगम को सूत्र सिद्धांत आदि कहा जाता है, लेकिन आगम की बहुत सारी व्याख्या है, सभी व्याख्या तो अभी मैं समय की सीमा में रहना है तो नहीं करूंगी। सिर्फ एक मुख्य व्याख्या है वो मैं बताती हूँ। असमंतात गम्यते ज्ञायते वस्तु येन सह इति आगम, मतलब जो जो वस्तु वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है, उनका परिपूर्ण सत्य ज्ञान जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है उसे हम आगम कहते हैं। तो आगम का इतने सारे विषय है वो किसने कहा होगा, उसके उद्गाता कौन होंगे, उनके रचयिता कौन होंगे, ये भी हमको जानने का जानने की जिज्ञासा जरूर होती है। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो साधक होते हैं सत्य की खोज के लिए एकांत संयम तप मौन आदि की साधना उपासना आराधना करके वे अपने विषयिक भाव, अपने कसाईक भाव उसको दूर करके चार घनगति कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह महापुरुष 34-35 वचन वाणी 1000 अष्ट उत्तम लक्षण के धनी और 12 गुण सहित 18 दोष सहित 8 पतिहार्य वाले होते हैं और तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, तीर्थ स्थापन करते हैं, उसे हमें अरिहंत तीर्थंकर कहते हैं। वह अरिहंत तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वो अपना जो जो प्राप्त किया है, जो केवल ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को सुरत धर्म और चारित्र धर्म के रूप में देशना देते हैं और उसी समय कई जीव वहां दीक्षित होते हैं। उसमें उनके प्रथम कोटि के जो शिष्य होते हैं वह गणधर कहलाते हैं। वह गणधर दीक्षित होने के बाद प्रभु के पास उपस्थित होते वंदन प्रदक्षिणा आदि करके कहते हैं, प्रभु किम तत्त्वम्, हे प्रभु तत्व क्या है। तब प्रभु उन्हें त्रिपदी देते हैं। त्रिपदी मतलब तीन पद का उच्चारण करते हैं। वह त्रिपदी है उपनेवा विहनेवा और ध्रुवेवा। ये त्रिपदी पर भी पूरा एक लेक्चर होता है और किया है मैंने, तो उसका मैं ज्यादा नहीं लूंगी, इधर थोड़ी सी बात बता रही हूँ। ये त्रिपदी में उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव रहना, जैसा है वैसा ही रहना। सभी तीर्थंकर अपने गणधर को यही त्रिपदी देते हैं। यह त्रिपदी देने का कारण यही कि उनके ज्ञान से तत्वों का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से जो स्वरूप उन्होंने जाना है वह स्वरूप वो अपने शिष्य के बुद्धि में स्थिर करना चाहते हैं। इसीलिए वो एकांत नित्य की बुद्धि, एकांत अनित्य की बुद्धि का शरण करने के लिए कहते हैं कि जो जो द्रव्य है उनकी पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है, लेकिन उसका जो द्रव्य रहता है वो द्रव्य कायम रहता है और स्थिर रहता है और इससे गणधर भगवंतों की बुद्धि में ही भाव स्थिर होने के कारण वो तुरंत ही उन्हें उनके विशिष्ट सहयोग सम के कारण तुरंत ही उनको चार ज्ञान 14 पूर्व की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में हालांकि 5 ज्ञान की बात आती है, मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, औधि ज्ञान और मर प्रयोग ज्ञान। ये चार ज्ञान प्राप्त करते हैं, पांचवा है केवल ज्ञान जो प्रभु ने प्राप्त किया है। वो प्राप्ति होने के बाद वो उनमें से द्वादशांगी की रचना करते हैं। द्वादशांगी यानी 12 अंग की रचना। त्रिपदी रहती है वो मातृ का पद कहलाती है और मातृ का पद में से द्वादशी अंग की रचना हो जाती है। जैसे हमारे जिसे हम अल्फाबेट कह सकते हैं, हमारे अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट है मानो,
उसमें 26 उसके लेटर होते हैं और 26 लेटर से पूरी भाषा बन जाती है, पूरा हम उसका शब्द वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह यह मातृका पद से द्वादशी की रचना होती है और उसी समय भगवान के समय शरण में चार ग्रंथ चौथ वाले तो अनेकों साधु होते हैं, लेकिन सब साधु गणधर नहीं बन सकते, क्योंकि गणधर बनने के लिए उनको विशिष्ट लब्धि होनी चाहिए। 28 लब्धि में से कई लब्धियां रहती हैं, उनकी अक्षर सन्निपात और लब्धि से जितने अक्षर रहते हैं उन अक्षर से जितने शब्द बनते हैं वो हर शब्द के प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं और अनेक अर्थ के साथ साथ उस अर्थ के अंदर अनेक भाव रहते हैं, लेकिन प्रभु जो बोलते हैं उसमें से वो कौन से भाव रजू करने चाहते हैं, उनको कौन सा भाव यहाँ प्रकट करना है, वो भाव को ही वो पकड़ लेते हैं और वो भाव के अनुसार न एक भी अक्षर उसमें छूटता है, न एक भी अक्षर उसमें अधिक होता है और न एक भी अक्षर उसमें कम होता है। इसी प्रकार से ये रचना करते हैं, उनकी बीज बुद्धि रहती है, उनसे उनका अनेक अर्थ बीज रूप पदानुसारी का ज्ञान हो जाता है। और इसके अलावा जो संभिन्न श्रोत नाम की लब्धि रहती है उसमें अनक्षरात्मक की 700 भाषा और 18 भाषाओं का स्वरूप जानते हैं और उनकी ध्वनियों का भी ज्ञान रहता है। इस ध्वनि के ज्ञान के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि कैसे निकलती है, ये ध्वनि किसके लिए प्रयोजन होती है, तो उसका ज्ञान होने के कारण वह सूत्र का गुंथन कर सकते हैं। उनके एक कोष्ठ बुद्धि भी रहती है, कोष्ठ मतलब हम कोष कहते हैं या कोठार कहते हैं जिसमें धन धान्य हम सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह वह जो भी ज्ञान लेते हैं वो बिना रटे बिना पर्यटन करे भी वो ज्ञान उनके पास यथावत रहता है, तो इसी की वजह से वह आगम सूत्र की अच्छी तरह से रचना करते हैं। और प्रत्येक गणधर रहते हैं, उनकी प्रत्येक की अलग अलग द्वादशांगी रहती है, जैसे कि आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे तो उनकी 84 द्वादशांगी थी। हमारा अंतर इतना है, हमारे जो 11 गणधर थे उसमें से उनकी जो द्वादशांगी है वो 9 ही थी, क्योंकि एक से 7 गणधर की स्वतंत्र थी और 8वें, 9वें और 10वें, 11वें की संयुक्त रूप से थी, इसलिए 9 द्वादशांगी बनी और उसमें से 9 गणधर तो प्रभु की हाजिरी में ही मोक्ष प्राप्त कर गए। और जो बच्चे थे गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी, उसमें गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया, तो फिर पटधर हुए अपने सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी की अभी जो द्वादशी है उसमें से जो 11 अंग हमारे पास अभी है वो अंग सुधर्मा स्वामी की रचित है। सुधर्मा स्वामी की रचित ही अंग में 12 अंग में जो दशतीवार अंग है वो 2 पीढ़ी तक ही रहता है, मतलब भगवान ने जिसको दिया उसके पास से एक दूसरे के पास फिर वो नष्ट हो जाता है। उसके 5 अधिकार रहते हैं, 5 अधिकार में सूत्र और परिक्रम तो नष्ट हो चुके हैं लेकिन चौथ पूर्व का ज्ञान रहता है और चौथ पूर्व का ज्ञान असंख्य पीढ़ी तक चल भी सकता है, जैसे आदिनाथ के समय में बहुत सारा समय था तो असंख्य पीढ़ी तक चल सकता है, लेकिन भगवान महावीर के समय में 7 पाठ तक ही चला, मतलब 7 पीढ़ी तक चला, जैसे कि सुधर्मा स्वामी, बाद में जम्बू स्वामी, बाद में प्रभव स्वामी, बाद में शंभव स्वामी, बाद में यशोभद्र स्वामी, बाद में संभूति विजय स्वामी और अंतिम थे भद्रबाहु स्वामी। डॉक्टर पार्वती जी, हाँ, आपने ये कहा कि जो दृष्टिवाद है ये 2 पीढ़ी तक ही चलता है, हाँ, पीछे क्या कारण है? दृष्टि हरेक तीर्थंकर जो रहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है अगले तीर्थंकर का शासन तो चल ही रहा है तो फिर भगवान को वापिस क्यों करने का ये धर्म का, तो वो दृष्टिवाद का ही परूपण करते हैं, इसीलिए तीर्थंकर का जैन धर्म का मार्ग है और वो नष्ट शूद्र और ये इसका संयोगसम जितना होना चाहिए इतना रहता नहीं है, वो एक उसकी
परंपरा है, परंपरा के मुताबिक ये ज्ञान इतना ही टिक सकता है और इससे ज्यादा ये नहीं टिकता है। पूर्णपन से तो फिर बाद में जाता है, चौथ पूर्व का रहता भी है, लेकिन सूत्र और परिकर उसके लिए जो सहयोगसम होना चाहिए वो सहयोगसम जहां तक रह सकता है उसका ये एक निर्धारण किया गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद जो मनुष्य होते हैं बराबर की पात्रता ही उतनी नहीं होती है कि वो उसको याद रख पाए। हाँ वो भी हो सकता है क्योंकि ये दृष्टिगत सूत्र है ही ऐसा बहुत कठिन है। चौथ पूर्व का भी मैं अभी आगे जाऊंगी तो पता चलेगा चौथ पूर्व भी कुछ कम नहीं है। उसके लिए हम जानते हैं कि 16,383 अस्थि प्रमाण शाही चाहिए और इससे जितना लिख सके इतना अपना ये ज्ञान होता है, तो इस तरह अपना ज्ञान रहता है। उसके बाद ये वाचनाएं हुई उसका मैं अभी विश्लेषण करती हूँ। जो हमारी प्रथम वाचना चंद्रगुप्त जी के पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र वाचना भी कही जाती है भगवान वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी यानी 160 साल के बाद पाटलिपुत्र में 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्काल हुआ था। उसमें बहुत सारे शूद्र से काल कवलित हो गए और अनशन लेके काल को काल प्राप्त कर गए। फिर वहां का जो चतुर्विध संघ था उसने एक इसके बारे में वाचना रखी, सब सूत्र जितने थे इतने संकलित किए, उसमें से 11 अंग संकलित किया और 11 अंग संकलित करने के बाद जो चौथ पूर्व का ज्ञान था वह ज्ञान सिर्फ भद्रबाहू स्वामी के पास ही था और भद्रबाहू स्वामी उसी समय नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। और इससे एक बात यह भी तय हो जाती है कि भारतवर्ष में नेपाल भी संलग्न ही था, इसलिए हमारे साधु साधी वहां भी जाते थे। जैसे अभी केरला की भी बात की, दक्षिण में भी बहुत धर्म प्रचलित हुआ था, वैसे तो वहाँ ये लोग संघ चतुर्विध संघ जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी उन्होंने स्वीकृति दी कि 14 अंग वो पढ़ाएंगे। तो वहाँ 1500 साधु भेजे, 1500 साधु में 500 विद्यार्थी और 1000 उसके परिचायक थे। तो सुन इससे आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि एक एक विद्यार्थी के पीछे दो दो परिचर्या करने वाले क्यों रखे, क्योंकि अलबत्त ये ज्ञान जरूरी पढ़ना दुष्कर था। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 499 साधु थे वो क्लांत हो गए, मतलब थक गए और वापस आ गए। एक स्थूलभद्र जी थे वो वहां टिके रहे, उनको 10 पूर्व का ज्ञान दिया। 10 पूर्व का ज्ञान देने के बाद एक बार उनकी साध्वी बहना दर्शन करने आई तो उसने चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण, तो ये ज्ञान भद्रबाहू को हो गया। और भद्रबाहू को ये ज्ञात होते ही उन्होंने आगे का ज्ञान देना स्टॉप कर दिया। फिर भी संघ ने प्रार्थना की और बार बार प्रार्थना के बाद वो सहमत तो हुए, लेकिन उन्हें सिर्फ सूत्र का ज्ञान दिया, चार पूर्व का सूत्र का ही ज्ञान दिया, उन्हें अर्थ ज्ञान उनका रहस्य ये सब उन्हें नहीं सिखाया। इस तरह अंतिम श्रुत केवड़ी भद्रबाहू रहे और दश पूर्वी स्थूलभद्र जी रहे। सूत्र के माध्यम से वह चौथ पूर्व कह सकते हैं, लेकिन सूत्र अर्थ दोनों के माध्यम से दस पूर्व रहे। अंतिम दस पूर्व वज्रधर स्वामी बने, फिर उनके शिष्य आर्य रक्षित नौ पूर्व और दसवें पूर्व के कुछ 24 अभी तक का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इनके बाद ये वाचना के बाद दूसरी वाचना जो पर पार्वती जी, ये पूछना चाहूंगा कि पहली वाचना का कंक्लूजन क्या आया, यानी कुछ लिखने में आया कि पहले ओरल ट्रेडिशन जैसा ही कुछ चलता था। पहले ये जो सब ज्ञान था कंठस्थ की ही परंपरा थी, तो ग्रंथस्थ नहीं किया था, सब कंठस्थ परंपरा से चल रहा था और कंठस्थ परंपरा से 11 अंक को उन्होंने बराबर कंठस्थ कर लिया कि सबके पास यथातथ्य चल रहा है और चौथ पूर्व का ज्ञान के लिए ये वाचना की गई। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद करीबन 160 साल के बाद दुकाल आया, यानी कि ड्राउट, और उसके कारण ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों को खाने पीने की तकलीफ होने लगी, साधुओं को भी आहार मिलने की तकलीफ होने लगी और मेमोरी क्षीण होने लगी
और जैसे कि आपने बताया कि वो भूलने लगे। हाँ। 160 साल के बाद पहली वाचना सभी साधु गैदर हुए और बाद में उनका ये डिस्कशन हुआ और 11 अंगों को उन्होंने सिस्टमैटिक कर दिया। भूलने की परंपरा बाद में हुई, भूलने की नहीं, वो जो कालकवलित हो गए थे उसको संकलित किए और 14 पूर्व का ज्ञान देना था और वो ज्ञान बहुत कठिन था पढ़ने में, तो सब तो 499 साधु तो चले गए उसमें से। और बाहू स्वामी ही एक ऐसे थे जिन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान था। हाँ, लास्ट पढ़ाने की शुरुआत, हाँ, जो लास्ट श्रुत केवली कहते हैं, जिसके पास 14 पूर्व का ज्ञान है, वो जितना केवली जितना शब्द का प्रयोग करके का ज्ञान देते हैं उतना ही वो दे सकते हैं, इसलिए इन्हें श्रुत केवली कहा जाता है, केवली की तरह है। केवली जितना ज्ञान नहीं है, लेकिन केवली जो भी ज्ञान प्रस्तुत करेंगे वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से करेंगे और श्रुत माध्यम में जितने भी शब्द रहते हैं उतने शब्द से ये भी कर सकते हैं, ये इनकी विशिष्टता रहती है। और दूसरी वाचना जो हुई वो उज्जैनी नगरी में सुअस्ति की, जो स्थूलीभद्र के ही पटधर थे सुअस्ति आचार्य, उसके नेतृत्व में वहां फिर से आगम को कंठस्थ परंपरा में ही अलबत्त संकलित किए गए। उसके बाद जो तीसरी वाचना हुई वो तीसरी वाचना कलिंग देश में खारवेल राजा जो है, खारवेल राजा के प्रयत्नों से उधर सुस्थित आचार्य के नेतृत्व में की गई, जो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सब देखो वाचना में कैसे बैठते थे, कैसे वाचना चल रही थी, तो ऐसे सुस्थित आचार्य के नेतृत्व में हुई। तभी बलि सिंह आदि 200 जिन कल्पी श्रमण थे और सुस्थित आचार्य आदि 300 श्रमण थे, और उसमें एक विशेषता ये हुई कि वहां साध्वी जी भी उसमें ज्वाइंट हुई, तो वह जो हुए वो कारवेल राजा जैन धर्मी था और उनका पूरा हिस्ट्री में बहुत सारा इसका पूरे बुक भी है कारवेल राजा, तो वो उज्जैन गिरी और खंडगिरी जो थी गुफाएं और पर्वत था वहां पे ये वाचना का उल्लेख मिलता है, वहां पे वो लिपि में लिखा भी हुआ है। तो वहाँ 300 पोइणी आदि साध्वी जी थी और भिक्षुराज आदि 700 श्रावक थे और उनकी महारानी, हाँ अभी दिखाई दिया, उनकी महारानी जो पुण्य मित्रा उसके सहित 700 श्राविकाएं थी। ऐसे चतुर्विध संघ की हाजिरी में आप ये चित्र में देख रहे हैं कि देखो कैसे सब साधु बैठे हैं और वाचना चल रही है और साथ में उसके बाद गुफा का भी ये दृश्य दिखाई देता है। तो वह गुफा में वहाँ ये वाचना की गई उसका उल्लेख भी मिलता है, वहाँ शिलालेख में लिखा भी हुआ है कि यहाँ ये वाचना हुई है। तो वहाँ जो वाचना हुई उस वाचना में वापस जो 11 अंग थे उसको संकलित किए और उसमें भिक्षु राय आदि ने विनती की, प्रार्थना की कि इसको हम क्यों ना जो अवशिष्ट है उसका लेखन किया जाए, तो कुछ भोजपत्र पे या ताड़पत्र पे या वल्कल पे लिखा, ऐसा तब किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके बाद चौथी जो वाचना थी ये वीर निर्वाण के 300 साल बाद हुई और जो चौथी वाचना वीर निर्वाण के बाद वीर निर्वाण की 592 साल में हुई, 592 साल, तभी आर्य रक्षित आचार्य के नेतृत्व में दसपुर नगर में हुई और जो ये सब आगम संकलित हुए थे, तो ये आर्य रक्षित आचार्य अनुयोग के धारक थे, उसको अनुयोग पे बहुत अच्छा उसका था, उसको अनुयोग को सुरक्षित रखते हुए सावधानी पूर्वक किया, 11 अंग को उन्होंने अनुयोग में विभाजन कर दिया। अनुयोग मीन्स क्या, भगवंत की जो वाणी है उसके साथ गंधन की वाणियों का योग होके जो बनता है उसे अनुयोग कहते हैं। उसको चार अनुयोग में बांटे गए, द्रव्यानुयोग जहाँ जीव अजीव आदि के गुण पर्याय और द्रव्य सभी का स्वाभाविक वैभाविक पर्याय इस सब का संकलन हुआ, वो अपना दृष्टिवाद सूत्र में था, वो सट द्रव्य में था, वो
उस सब का एक संकलन करने में आया। उसके बाद दूसरा जो चरण करणन युग, वो इसे चरण युग, चरणा युग भी बोलते हैं। तो उसके अंदर साधु की मूलभूत जो आचार थे, उनके मूल गुण थे, ये उनकी जो साधनाएं थे, अनुष्ठान थे, उसका समावेश किया। और उसके साथ उत्तर गुण, जो उत्तर गुण में उसकी पांच समिति, तीन गोचरी आदि सब रहता है, उसका चयन करके जो अपना आचार्य जी सूत्र, दशकालिक सूत्र आदि का इसके अंदर समावेश कर दिया। और जो तीसरी वाचना है वो गणितानुयोग, जिसे करणानुयोग भी कहा जाता है। तो गणितानुयोग में सब भिन्न भिन्न जो माप की बात आती है, खगोल भूगोल चंद्र सूर्य आदि की गति का माप, उसका जो चाल चलन है उसका, और विविध प्रकार का गणित रहता है उसमें, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति जैसे शास्त्रों का समावेश होता है। उसके बाद जो किया धर्म कथानुयोग, जिसे प्रथम चरणानुयोग भी कहा जाता है। तो धर्म कथानुयोग में जो साधु साधना करके आराधक हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, विराधक होने के बाद दुखी हुए, उन सब की कथाएं रहती है। वो कथा का जो है सब उपासक दशांगे, ज्ञाता धर्म कथांगे और सारे दूसरे भी है, सबका मैं यहाँ नाम लेंगे, तो उसका चयन किया। ये अनुयोग की रचना करने के पास पीछे क्या रहस्य था, तो सब मानवी की रस, रुचि, अवस्था, इच्छाएं एक सरे की नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। कभी क्या है, मानवी का मन संकाशी हो जाता है, वैसे भी प्रत्यक्ष के अपेक्षा परोक्ष वस्तु में हम जल्दी शंका या विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए शंका होना बहुत स्वाभाविक है। अरे कभी कभी तो अपने अस्तित्व का भी हमें विश्वास नहीं आता है, तो वो शंका का निर्मूलन करने के लिए गुरु भगवंत नहीं है, तब द्रव्यानुयोग को आप पढ़े, तो वो पढ़ने से ये शंका निर्मूल होगी, सम्यक की प्राप्ति होगी। कभी मन में बहुत प्रमाद आ जाता है, कुछ कार्य नहीं सूझता है, तब हम चरण करणानुयोग का अभ्यास करते हैं, तो उसके जो ये अनुष्ठान वगैरह से हमारा प्रमाद दूर होता है और हम अप्रमाद भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे धर्म कथानुयोग, कभी मन कसाय वाला हो गया, बहुत सारे कसाय आ गए, तो वो कसाय आए तभी क्या, तो ये कथा आप पढ़ेंगे तो कथा में जो उनको सुख दुख आदि की अनुभूति वगैरह का वर्णन है, वो पढ़ के कसाय दूर हो जाता है, अकसाय भी हम हो सकते हैं। और इन तीनों जब निष्फल जाते हैं तब गणितानुयोग में क्या होता है, जब तो मन अस्थिर हो जाता है और जड़ जैसा हो जाता है, तब गणितानुयोग हमको काम आता है। गणितानुयोग वैसे भी हम जानते हैं कि गणना करते हैं, हम हिसाब करते हैं तो कितने लीन हो जाते हैं, सब भाइयों बहनों को मालूम होगा, एक पाई का हिसाब नहीं मिलता है तो हम कितना उसमें अंदर जा के एक 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 पाई का हिसाब करने के लिए स्थिर हो जाते हैं, तो वैसे स्थिरता भी होती है और एक जाके चेतना भी आ जाती है। तो ये चार अनुयोग इसी तरह बहुत उपयोगी है, ये चार अनुयोग की वाचना उसी समय में। इसके बाद चौथी पांचवी वाचना, पांचवी वाचना वीर निर्माण के बाद 824 से 840 के बीच में हुई, मथुरा में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में हुई। उसमें एक मतमतांतर हो सकता है, कोई बोलते हो तब भी 12 साल का दुकाल हुआ था, उसमें बहुत सारे आगम नष्ट हो गए थे, बहुत सारे सूत्र चले गए थे, कोई बोलते हैं नहीं ऐसे ही उसने संकलन किया था, जो हो गए तो वहां उन्होंने कालिक सूत्र आदि का संकलन किया। ये संकलन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया था ये संकलन, और ये वाचना माथुरी वाचना या स्कंदिली वाचना से प्रसिद्ध है। इसके बाद उनका भी मैंने चित्र इसमें रखा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि देखो सब कैसे यहाँ बैठ के ये वाचना करते हैं, हमको एक भाव बोलते हैं ना, वो भाव उनके प्रति प्रदर्शित होगा कि इतने सारे साधु कैसे बैठ के ये वाचना कर रहे हैं। सिर्फ छठी वाचना थी, वो भी आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में हुई थी, वल्लभी में हुई थी, वल्लभी वाचना नागार्जुनी वाचना भी कही जाती थी। और उसके बाद वहां नागार्जुनी खुद भी कालिक सूत्र के ज्ञाता भी थे और पूर्व आदि के ज्ञाता थे, अभी मैं विशेष विवेचन नहीं करती हूँ,
साथ में जो बहुत प्रसिद्ध है वो भी वल्लभीपुर में आचार्य देवर्दी गणेश समण की नेसरा में हुई। ये चित्र आया उसी समय 500 साधु एक साथ बैठ गए और सब अपने को जो याद था वो याद करके सब आगम संघ की अनुमति से लिपिबद्ध किए। वो लिपिबद्ध आगम अभी तक चले आ रहे हैं और जब मुद्रण परंपरा आई तब उस लिपिबद्ध आगम में और भी प्रकाशन हुआ और प्रकाशित हुए, जैसे कि स्थानकवासी ने, आचार्य असीलाल जी महाराज आदि सब महाराज ने किया, तेरापंथी में जो किया है आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी ने, और मूर्ति पूजक संघ के अंदर भी आचार्य आगमोद्धारक सागरानंद सूरी जी आदि, जम्मू स्वामी पुण्य विजय जी आदि उसने किया, पंडित महाराज ने उसको गीतार्थ गंगा के नाम के विविध कोष में बेच दिया। ये हुआ उनके बाद इसका आगमों का वर्गीकरण, वो वर्गीकरण भी चार है जिसका मैंने इधर चित्र दिया है, तो आप दिखाएंगे तो चित्र से ही पता चल जाएगा कि पहला वर्गीकरण बहुत प्राचीन समय में मिलता है, वहां 12 अंग और 14 पूर्व की बात आती है। दूसरा वर्गीकरण अपना नंदी सूत्र में मिलता है, वहां आवश्यक अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, वो चार यहाँ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मैं इसका अभी समय होने के कारण और मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना दिखा देती हूँ। तीसरा जो वर्गीकरण था वो अनुयुक्त का था और चौथा था अंग उपांग उच्छेद का था, और 45 आगम की भी बात बताई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था कि जो आपने मुझे दिया है, मैं आप सबका आभार करती हूँ। मेरे मार्गदर्शक अभय भाई दोषी रेणुका बहन पोरवाल को भी यहाँ स्मरण करके सबके लिए मुझे सहाय रूप आवे आए, पारवी सुशीला जितेंद्र गाला इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। कुछ भी मेरी भूल हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जी। मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही हो सकता है बहुत ही वैलिड ना हो, आपने सोचा कि ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लिया, बट फिर भी मेरे जिज्ञासा से पूछना चाहता हूँ कि अपने में इतने सूत्र है तो इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। तत्वार सूत्र बोलते हैं, बाइबिल और गीता है, आपने आगम पे बात कही, फिर भगवती सूत्र है, फिर उत्तर ध्यान सूत्र है, फिर जीव विचार है, फिर आचरण सूत्र है। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जो हम लोग इतने नॉलेजेबल नहीं है तो उनके लिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि इतने सूत्र है तो समझ में नहीं आता है कि क्या तत्वार सूत्र पढ़ना चाहिए कि क्या आगम पढ़ना चाहिए कि उत्तरा ध्यान सूत्र पढ़ना चाहिए कि, तो इसका एक एक, एक सिस्टमेटिक है कि ये बहुत ही सूत्र अलग अलग टाइम में निकले हुए, आपका इसके बारे में क्या कहना? सूत्र तो देखो पहले 12 अंक तो एक साथ में निकले, 12 में जब बाद में जब ये अंक के गुटा समझने में कठिन होने लगे तब 10 पूर्वी 14 पूर्वी ने उपांग की रचना की और फिर मूल सूत्र और छेद सूत्र की भी रचना की, और ये सब आगम इसी क्रम से ही है और इसी क्रम से मान्य भी है। सभी हमारे श्वेतांबर और दिगंबर 12 अंक को वैसे ही मानते हैं, उसके नाम में कोई भी फर्क नहीं। और बात आपकी ये है कि उसका इतना सारा ज्ञान है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक में मिले, तो उसके लिए भी आगमशार वगैरह ऐसे छोटी छोटी बुकें भी हैं, और ये आगम पढ़ने कठिन लगे तो उसके लिए छोटे छोटे जो थे जैसे के जीव विचार का, तो जीव तत्व का चयन करके ग्रंथ लिखा गया, वो सब आगमेतर ग्रंथ में उसका समाविष्ट है। और तत्वार सूत्र का तो हम सुन चुके हैं और तत्वार सूत्र में सारा सार आ जाता है, तो ये आगमों का आप कहते हैं वैसे होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे ये होगी परिस्थिति ऐसी कि ये जिस तरह से प्रचलित होने चाहिए उस तरह से प्रचलित नहीं हो सके हैं, शायद गुरु भगवंतों की मर्यादा रहती है इसकी वजह से, और आगम पढ़ने के लिए मना भी किए जाते हैं क्योंकि अर्थ गठन उलट सुलट कर देंगे, तो गुरु के माध्यम से ही इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच पार्वती जी। तो अब मैं पार्वती जी का जो आज का सेशन था उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर वे से, देखो आगम ये अपने आप में एक बहुत गहन विषय है,
अब दूसरी बात, शायद मुझे लगता है कि पार्वती जी का ये पहला ऑनलाइन लेक्चर होगा, मुझे ऐसे लगता है। दूसरी चीज, पहला हिंदी में भी पहला है। हाँ, दूसरी चीज, पार्वती जी आज तक गुजराती में ही लेक्चर्स दिए हैं और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए इतने एफर्ट्स डाल के, खुद के हाथ से सब चार्ट्स बना के, पूरा हिंदी में हमको कैसे इंफॉर्मेशन दे सके, इस बदल तो हमारे जितने भी जैन टॉक्स के मेंबर है वो आपके बहुत बहुत ऋणी है। अब दूसरा, उन्होंने ये आगम का इतना अच्छा संकलन, यानी कि इतना शॉर्ट वे से हमको बताया कि सात प्रकार की वाचना हुई थी। अब भगवान ने जो वाणी दी थी, गणधरों ने उसको सूत्रबद्ध की, और सूत्रबद्ध करने के बाद धीरे धीरे समय समय आते आते ऐसा हुआ कि उस सूत्रों का वापस अच्छी से संकलन करने की आवश्यकता हुई। तो विभिन्न आचार्यों की निश्रा में, विभिन्न देशों में, यानी कि विभिन्न सिटियों में, जैसे कि पाटलिपुर उन्होंने कहा, मथुरा कहा, हमारा वल्लभीपुर जहाँ लास्ट अंतिम सातवीं वाचना हुई थी, जो कि देवर्दी गणी श्रमाश्रमण की निश्रा में हुई थी। तो हर एक जगह पे कोई ना कोई आचार्यों की निश्रा हुई है और उस निश्रा में वाचना हुई है और सभी आगमों का वापस अच्छी से संकलन करने में आया है। और आज हमारे पास जितने भी आगम मौजूद है, वो सातवीं वाचना जो कि वल्लभीपुर में हुई थी, आप कभी भी वल्लभीपुर जाइए तो वहां एंटर होते ही नीचे बेसमेंट में एक बहुत सुंदर मंदिर में देवर्दी गणेश श्रमाश्रमण और उनके आसपास बहुत सारे साधु बैठे हैं जो कि वाचना का दृश्य बता रहे हैं, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलिए। सो इन्होंने बहुत ही सुंदर, और दूसरा एक ये भी कहा कि कैसे आगमों को चार अनुयोगों में विभाजित किया गया, द्रव्यानुयोग है, करण चरणानुयोग है, गणितानुयोग है और कथानुयोग है। यानी कि जो 45 आगम्स हैं उनको सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ये चार क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करने में आया। अब देखिए, द्रव्यानुयोग में जीव आत्मा वगैरह फिलोसॉफिकल बातें की जाती है, करण चरणानुयोग में क्रिया संबंधी आचार संबंधी बातें की जाती है, धर्म कथानुयोग में कथा के माध्यम से हमें संदेश बोध दिया जाता है, और गणितानुयोग में जितने भी कैलकुलेशन रिलेटेड स्टफ है वो सब गणितानुयोग में मिलते हैं। तो हमारे 45 के 45 आगम इस तरह चार अनुयोगों में विभाजित है, जो कि हमारे डॉक्टर पार्वती जी ने बताया, बहुत ही सुंदर इसका विवेचन हुआ। और जैसे कि रमेश भाई ने भी प्रश्न पूछा था कि हमारे यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है लर्न करने का, तो हमारे श्रावकों के लिए एक मैं एड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दो तो डॉक्टर पार्वती जी। जैसे हमारे यहाँ श्रावक के लिए बताया हुआ है कि चार प्रकरण, तीन भाष्य और छह कर्म ग्रंथ, ये बेसिक स्टडी करना है एक श्रावक को, फिर आगे की सब ग्रंथ लोगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा, तो वो समझ में आ जाता है। तो उसमें चार प्रकरण, तीन भाष्य और छह कर्म ग्रंथ का समावेश होता है, ये एक श्रावक की मूलभूत इतना अध्ययन तो उनका होना ही चाहिए। अगर उसमें जीविचार आता है, नौ तत्व आता है, दंडक आता है, लघु संग्रहणी आता है, पंचकांड भाष्य, गुरु वंदन भाष्य, चैत्य वंदन भाष्य और छह कर्म ग्रंथ, पहले कर्म ग्रंथ से छह कर्म ग्रंथ, जिसमें कर्म की सूक्ष्मता 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 आती जाती है। तो इसी के साथ हम आज का हमारा सेशन वाइंड अप करते हैं। सभी को मेरे जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती जी। हम प्रेयर के साथ आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। हा मे मि सव जीवे सवे जीवा खमंतु मे, मित्ति में सव भुवेशु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो।